हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वाद के निवाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी रेसिपी अगर ज़रा भी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए आज आपके साथ शेयर करते हैं दिल्ली वाले छोले भटूरे की रेसिपी, जो कि हम अपने तरीके से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम आधा किलो मैदा ले लेंगे, उसमें 4 टेबलस्पून सूजी, आधा कप दही और 1 टीस्पून चीनी। अब इन सभी को हम गूंद लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें सूजी मिला लेंगे, इसी के साथ चीनी, स्वाद के अनुसार नमक, इसको पहले मिक्स कर लेंगे। और इसमें दही डाल करके इसको हम पहले दही से हल्का सा बाइंड कर लेते हैं, फिर जितनी पानी की आवश्यकता होगी उसको डाल के सान लेंगे। अगर आपको इंस्टेंट बनाना है तुरंत छोला भटूरा, तो आप इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा जो होता है बेकिंग सोडा, वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको तुरंत नहीं बनाना है तो कम से कम 3-4 घंटे के लिए इसको सान करके रख दीजिएगा, तब सोडे की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए अब इतना बाइंड हुआ, अब इसमें हम पानी आवश्यकता के अनुसार डाल के इसका एक अच्छा मीडियम डो, न बहुत टाइट न बहुत पतला, बहुत इसका मैदा सख्त भी बहुत नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रहता है कि बेलने में दिक्कत हो। अगर सर्दियों का मौसम है तो इसको कम से कम आप 5-6 घंटा रख सकते हैं फर्मेंट होने के लिए, और गर्मी है तब तो आपका 1-1.5 घंटे में रेडी हो जाता है। ये देखिए हमारा भटूरा का डो एक बिल्कुल तैयार है, इसी टाइप का आपको भी गूंदना है। अब इसके ऊपर हल्का सा हम हाथ में तेल लगा के ऊपर से लगा देंगे ताकि ये ऊपर से सूखे नहीं। अब इसको ढक करके हम कम से कम 3-4 घंटा के लिए रख देंगे। अब छोले की तैयारी कर लेते हैं। छोले बनाने के लिए हम 4 मीडियम साइज़ का टमाटर जो कि फाइन चॉप कर लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ का प्याज, 10-12 कली लहसुन और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च, इसका हम पेस्ट बना लिए हैं। आप चाहिए तो इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं। ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून छोला मसाला और 2 तेज़पत्ता। ये छोला जो हम रात में भिगा दिए थे, 7-8 घंटा कम से कम भीगना चाहिए और उसको फिर हम कुकर में चढ़ा के कम से कम 4 सीटी उबलने तक इसको पका लिए हैं। और इसमें जो एक गरम मसाले की पोटली डाले थे इसको हम बाहर कर देंगे। इसमें हम 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री का टुकड़ा और 4-5 लौंग, 8-10 काली मिर्च, ये सब चीज़ बांध करके और इसको इसके साथ हम उबाल लिए थे। आपको अगर छोले का कलर डार्क पसंद है तो इसमें आप 1 टी बैग भी डाल सकते हैं या आंवले का थोड़ा सा पाउडर डाल दीजिए तो इसका कलर डार्क हो जाएगा। अब हम गैस जला लिए हैं और एक कढ़ाई रख दिए हैं। इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद है तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। डाल देते हैं 2 तेज़पत्ता, तेज़पत्ता हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें अपना डाल देंगे प्याज वाला पेस्ट। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज वाला पेस्ट, और इसे हम तब तक भूजेंगे जब तक कि इसका तेल सेपरेट ना हो जाए। इसे मीडियम टू लो में ही भूनिएगा, बहुत हाई में नहीं, तो पक जाएगा ऊपर से लेकिन इसका स्मेल नहीं जाएगा।
जी देखिए हमारा प्याज भून रहा है, तेल सेपरेट होने वाला है। इसी समय में हम इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और ये हल्दी, इसको भी इसी के साथ हम भून लेंगे। मसाला जितना अच्छा भुनता है छोले का टेस्ट उतना अच्छा आएगा। ये देखिए तेल सेपरेट होने लगा है, उसी समय में हम ये टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से मैसी ना हो जाए और फिर से तेल अलग ना हो जाए। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक हम छोले में भी डाल चुके हैं इसलिए उस हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल भुन गया है, तेल भी सेपरेट हो रहा है। अब इसमें हम अपना छोला डाल देंगे। फ्लेम को हाई कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अपना छोला मसाला। अगर छोला मसाला आपके पास नहीं है तो घर में कोई सा भी मसाला, किचन किंग मसाला हो या और भी कोई गरम मसाला हो, तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम पहले इसको थोड़ा सा मैसर से कुछ चने को हम मैश कर लेंगे ताकि हमारा छोला अच्छे से घुल मिल जाए। और इसी समय में हम थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे। ये पकाते समय धनिया पत्ती अगर डालिए तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब आपको छोले को जितना गाढ़ा रखना हो, अगर पतला रखना चाहते हैं तो इसमें पानी ऐड कर लीजिए, और अगर गाढ़ा रखना चाहते हैं तो इसी समय में आप इसको ऐसे ही ढक करके और कम से कम 5 मिनट तक इसे और हम पकाएंगे। ये देखिए हमारा छोला बन करके बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा छोला बन के बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे गार्निश के लिए, और फिर भटूरा बना के इसको एंजॉय करेंगे। ये देखिए हमारा भटूरे का आटा अच्छे से फूल चुका है। अब इसको हम अच्छे से एक दो बार मसल लेंगे और फिर इसका भटूरा बनाते हैं। छोला बन के रेडी हो गया, भटूरा भी बना लेते हैं, फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। इधर हम कढ़ाई रख दिए हैं और उसमें तेल डाल दिए हैं गर्म होने के लिए। ये देखिए इतना बड़ा पेड़ा बना लेंगे। इसको फिर सूखे मैदे में डस्ट कर लेंगे। इसको फिर हम अच्छे से जितना ठीक रखना हो, बहुत मोटा भटूरा अच्छा नहीं लगता है इसलिए हम इसे पतला ही बेल लेंगे। अगर आपका ओवल शेप मन करे तो ओवल शेप भी बना सकते हैं, हम गोल बना रहे हैं। ये देखिए इतना पतला रहे। अब हम पहले देख लेंगे तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। अब ये छोटी सी लोई डाल के देख लेंगे कि हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। भटूरे के लिए तेल बहुत ही गर्म, ज़्यादा गर्म होना चाहिए तभी भटूरा आपका फूलेगा। तो इसमें हम अपना भटूरा डाल देंगे। इसको ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करेंगे तभी फूल जाएगा। ये देखिए
बढ़िया एकदम फूल गया। जितना आपका मैदा अच्छा गूंदा रहेगा और जितना रेस्ट पे रहेगा उतना बढ़िया भटूरा बनता है। और सूजी डालने पे इसका जो ऊपरी वाला परत होता है बहुत ही क्रिस्प रहता है, हल्का गोल्डन होने तक इसको हम सेक लेंगे। ये देखिए गोल्डन हो गया है। इसी तरह हम एक एक करके भटूरा बना लेंगे। देखिए दूसरा भी डाल दिए हैं, इसको हल्का हल्का ऊपर से प्रेस करते रहेंगे। देखिए ये भी खुल गया है। ये भी थोड़ा गोल्डन हो जाएगा तो निकाल लेंगे। अब इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा छोला भटूरा बनके बिल्कुल रेडी है। देख के आ गया ना आपके भी मुंह में पानी। झटपट इसको आप भी बनाइए और अपने परिवार के साथ एंजॉय करिए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए।